हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुके खट्टे मीठे व्लॉग्स। तो सुबह का सीन फिर से स्टार्ट हो गया है, नए दिन की शुरुआत नए काम के साथ हो गई है। और आज नया काम क्या है कि कल जो रात में मैंने मूंग की साबुत दाल भिगोई थी, मूंग दाल की, उसको मैंने थोड़ा सा बस रात भर के लिए भिगोया था, उसको अभी जो मैं क्या है सुबह को ही जो है डाल रही हूँ कपड़े के अंदर, है ना। तो थोड़ी सी हीट इसको मिलेगी, पानी जो है वो निकाल दिया है, लेकिन थोड़ा सा जो मॉइस्चर उसमें रहेगा वो उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ इसके स्प्राउट्स। तो बस सुबह को मैं भिगो के, सुबह को मैं इसको बांध के रख रही हूँ, और फिर मैं हो सकता है आज रात को चेक कर लूँ, या फिर मैं कल सुबह इसको जो है चेक कर लूँ। तो अगले नए दिन की शुरुआत फिर से एक नए काम से हुई, और आज नया काम जो है अभी आपने देख लिया वो है बारिश। और बारिश भी ऐसी कि सारी रात भी हुई है, और सुबह जब उठ के देखा तो फिर से हो रही है। और इनफैक्ट ये जो बारिश थी कंटिन्यू की करी ऑलमोस्ट सारा दिन, और दोपहर तक तो ऐसी तेज़ बारिश हुई कि जैसे कि बस पूछो ही मत कि बरसात आ गया हो, मानसून आ गया हो, ऐसी बारिश। लेकिन मौसम में बहुत ज़्यादा इस बारिश से चेंज आया है, तो वो जो राहत है वो सबने फील की है इस बारिश से। तो 24 घंटे में ही बढ़िया हमारे स्प्राउटेड जो है मूंग दाल रेडी है, है ना। और बढ़िया स्प्राउट निकले हैं, और मूंग दाल के जो दाने हैं वो इतने सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि कोई दाना मीन्स 99% तो स्प्राउटेड ही है, लेकिन कोई ना कोई दाना तो बीच में थोड़ा बहुत रह ही जाता है। फ़ायदे तो हमेशा से पता होते हैं हमें चीज़ों के, लेकिन हम ज़रा बस उन चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर करना ही पड़ता है। तो अभी जो डॉक्टर ने मुझे ये स्पेशली बोला हुआ है कि हाई प्रोटीन डाइट। अब हाई प्रोटीन डाइट जो है वो सारे ये बोलते हैं कि मीट में ज़्यादा प्रोटीन होता है ना, या फिर आप एग खाओ डेली या मीट खाओ, है ना। तो हाई प्रोटीन जितने भी अंदर की आपकी वियर एंड टीयर हुआ है या जो भी वीकनेसेस हैं वो उससे चली जाती हैं। लेकिन अगर आप मानोगे, अगर थोड़ा सा भी कहीं हम स्टडी करें तो पता चलेगा कि एक मूंग दाल जो है वो मतलब मीट से भी ज़्यादा उसमें जो होता है वो प्रोटीन होता है। स्प्राउटेड वर्जन जो है मूंग दाल का, उसमें तो प्रोटीन और भी बढ़ जाता है। तो मैं इसको खा रही हूँ अभी, इसका सैलेड बना के सारी चीज़ें ही रॉ डाल ली हैं, और थोड़ा चाट मसाला या कुछ ऐसा अगर आपका मन करे तो डाल सकते हैं, लेकिन नींबू, काली मिर्च और बाकी जो भी आपकी फेवरेट जो है वो वेजिटेबल्स हैं वो रॉ इसमें डाल सकते हैं। आज सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, सुबह से क्या सारा दिन तो रही मतलब इतनी ज़्यादा ना कि जैसे लग रहा है कि बरसात को मतलब कि बादलों को कि बस मैं और ज़्यादा जो है आज ना बरस लूँ। चलो, तो मैं बल्कि सबसे बड़े दिन से ये बात कर रही थी ना कि इस सारी स्टोरी के जो मतलब कि हमारे साथ रहे और जिन्होंने देखा, फील किया, और दिल में मतलब जो है वो दर्द भी फील किया और सहा भी, तो वो सिर्फ बाली साहब है ना। तो इसलिए मैं उनको बोल रही थी कि आप भी तो आओ ब्लॉग में और स्टोरी को आगे बढ़ाओ, लेकिन इनके पास थोड़ा टाइम कम था क्योंकि आजकल जो है इनके ऊपर कई रिस्पांसिबिलिटीज़ हैं, बाहर के काम की भी, अपनी भी, घर के काम की भी, है ना। मैंने आपको पहले बताया कि अभी तक भी ये पहले मजबूरी में करते थे, लेकिन अब जो है थोड़ा सा मेरे को बोलते हैं कि थोड़े दिन तो और रेस्ट कर ले, थोड़े दिन और जो है अपनी जो वीकनेस तेरी ख़त्म हो जाए तब तक थोड़ी और रेस्ट कर ले। तो ये जो है वो मेरा पूरा जो है ना वो अभी भी अपना जो रूटीन है वो उसको फॉलो कर रहे हैं और हमारी पूरी पूरी हेल्प कर रहे हैं। तो फिर मैं इनको बोलती थी कि आप भी तो आओ बैठो, तो आज मैंने इनको तो बिठा ही लिया कि आज तो बात कर ही लो। तो हमारी स्टोरी यहाँ तक बढ़ चुकी थी कि 23 मार्च को दोबारा ERCP हो जाती है और एक के बजाय 3 स्टंट जो है वो डॉक्टर डाल देते हैं, ये सोच करके कि अब इससे तो श्योरली जो बाइल लीकेज है वो स्टॉप हो ही जाएगी और 24 मार्च को जो है हम घर आ जाते हैं, है ना। उसके बाद जो भी हमें डॉक्टर ने सलाह दी कि ये जाके एंटीबायोटिक लगाओ तो ये आपकी जहाँ से भी लीकेज हो रही है वो सूख जाएगी। साइंटिस्ट ने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के एंटीबायोटिक बनाए हुए। तो रॉन्ग मेडिकेशन क्या हुई, जो उस दौरान अभी यहाँ बाइल लीकेज नहीं रुकी, 26 तक नहीं रुकी हमारी,
तो 26 तारीख तक हमारे पास जो इनके बाइल लिखे के साथ एक लिक्विड आने लगा, जिसको मैं कह सकता हूँ पस आने लगी। तो आई वॉज अफ्रेड, तो मैंने डिस्कस किया फिर डॉक्टर के साथ कि ऐसे ऐसे क्या करें। तो ही हैज सजेस्टेड मी कि गो फॉर अ मेरोपेनम। मेरोपेनम इज अ फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक। उसको डॉक्टर को भी पता होना चाहिए था कि ये अगर हम ये दे दें फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक दे दें, वो शायद उसका नुकसान भी हो सकता है इन द फ्यूचर कोर्स। जब भी इनको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के एंटीबायोटिक इन पे काम नहीं करेंगे, ये उसको डॉक्टर को पता होना चाहिए था। हमने फिर भी उसके 20 इंजेक्शन लगवाए हमने। तो अगली स्टोरी मैं थोड़ी सी सुना देती हूँ कि अभी तक भी इतने इंजेक्शन लगाने के बाद भी, इतने हाई लेवल का जो एंटीबायोटिक दिया उसके बाद भी कोई फर्क नहीं था, और हम ये सोच रहे थे कि 1 मंथ ऑलमोस्ट होने वाला है तो हम शायद अभी ठीक होने वाले हैं। तो उससे क्या होता है, 3 अप्रैल को, मतलब अभी 1 मंथ कंप्लीट होगा 10 अप्रैल को, तो उससे पहले 3 अप्रैल को एक और नई मुसीबत स्टार्ट हो जाती है कि सुबह उठ के देखते हैं कि वही ड्रेन पाइप में बाइल लिक्विड की जगह या जो पस वाला लिक्विड आ रहा था उसकी जगह पे अब जो है वो ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। अब ब्लड क्यों आया और अंदर क्या रप्चर हुआ, क्या हेमरेज हुआ, हमें कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि हम तो नॉर्मल रूटीन से जो भी इसकी प्रिकॉशन करना, जो भी केयर करनी ड्रेन पाइप की कर रहे हैं, ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई मूवमेंट करी, बस बेड पे ही रेस्ट कर रहे हैं। तो भी वो स्टार्ट हुआ और वो ब्लड देख के ही कुछ साइकोलॉजिकली इफेक्ट हुआ दिमाग पे या क्या हुआ, मेरी ये हालत हो गई कि जैसे बिल्कुल बीपी लो और फेंट टाइप। शी वाज ऑन दैट डे शी वाज फेंटेड लाइक एनीथिंग। हां, तो अभी मेरे साथ था उस दिन, तो दोनों बच्चे इधर ही थे। अमूल्य को सुबह को स्कूल जाना था, वो भी एकदम से उसने भी बंद कर दिया कि नहीं मैं भी स्कूल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बच्चे भी डर गए और हमें तो फर्स्ट टाइम ही देखा था कि ड्रेन पाइप में ब्लड आ रहा है। देन उस समय हमने फिर सुबह उसी डॉक्टर को एक फोटो भेजी, तो देन ही सजेस्टेड कि फटाफट इसका देखो, ये ब्लड आना अच्छी बात नहीं है। तो जब उसने हाथ खड़े कर दिए तो मुझे लगा कि नाउ थिंग्स आर सीरियस। तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना चाहिए, तो ही सजेस्टेड कि गो फॉर IVY मोहाली। जैसे वो ब्लड आ रहा था तो वो दिखा के हमने डॉक्टर मोहाली वाले के डॉक्टर के साथ सलाह की, तो उसने कहा कि जल्दी जल्दी आ जाओ। तो रेफरल लेटर इन्होंने होशियारपुर से बना दिया था, हम सीधे पहुंच के मोहाली IVY मोहाली में। वहाँ भी हमने 3-4 दिन काटे, 3-4 दिन बड़े 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक हमने वहाँ काटे दिन। तो वहाँ भी सेटिस्फैक्ट्री हमें ट्रीटमेंट नहीं दिया किसी ने भी, कुछ नहीं, बस तो वही सीटी स्कैन रोज का, एमआरआई करा लो, सीटी स्कैन एमआरआई करा लो, एमआरसीपी करा लो, कलेक्शन देख लो कितनी है, और वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। मतलब ये था कि उसने, उस डॉक्टर ने हमें कुछ भी ट्रीटमेंट कुछ नहीं दिया, एवरी डे ऑन ड्रिप, आज खाली पेट रहो, कल खाली पेट रहो। मतलब इन दिनों में मेरे ख्याल अर्चना ने कोई भोजन नहीं किया होगा। मतलब पहुंच गए हम 3-4 अप्रैल में पहुंच गए हैं, और 10 मार्च की बात है, 10 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक अर्चना ने शायद ही रोटी खाई होगी, मुझे लगता है नहीं, क्योंकि मेरे सामने खाते थे, एक दिन ही रोटी खाई। कभी ये उन्होंने कहना ये टेस्ट करना है तो खाली पेट रहो, ये करना है तो खाली पेट रहो। तो मतलब उस पेशेंट को खाना कब देना है, तो देट वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग। तो मुझे भी लगा कि इसके मतलब इसकी सेहत कैसे बनेगी। तो उस दौरान ऑलमोस्ट ये रिकवरी की ओर जाने के बजाय ये पूरी उनकी सेहत डाउन हो गई, अर्चना की सेहत पूरी डाउन हो गई, तो ये बहुत पतली मतलब हो गई। रोज के हिसाब से, पर डे के हिसाब से 1 kg वेट लॉस हो रहा था, और जब हमने 2-3 दिन देखा फिर तो मैंने डेली ही वेट चेक करना स्टार्ट कर दिया, तो पर डे के हिसाब से 1 kg वेट लॉस हो रहा था, तो वो भी एक नेगेटिव वो था, है ना। और बीच में ये डर, वो जो जॉन्डिस वाला खतरा, क्योंकि लीवर और गॉल ब्लैडर का के रिलेटेड इश्यूज थे सारे, तो दूसरा खतरा, है ना। तो रोज के रोज टेस्ट, और वो जो ब्लड सैंपल मैंने पहले बताया कि बाजू में मेरी बिल्कुल हरी हो गई थी, और उसके बाद वो कैनूला तो बस 24 घंटे का ही लगा हुआ है, बट वो 2-2, 3-3 बाद उसकी जगह भी शिफ्ट करनी पड़ती थी। वहाँ जो डॉक्टर थे, GI सर्जन थे, डॉक्टर GR वर्मा थे, उन्होंने मतलब म्यूचिन लगा कोई इलाज किया उन्होंने, तो उन्होंने बस हर विजिट के अपने पैसे बनाए, पैसे बनाए, हमारे पैसे ले लिए हमसे, और अपनी उन्होंने राइटिंग की, ठीक है, चक्कर लगाते थे और हमें पता चल जाता था कि उन्होंने अंदर जाके एंटर कर दिया कि मैंने विजिट कर लिया और 1000 रुपया। दूसरा चक्कर लगाया, 1 मिनट भी बात नहीं की हमसे, और अंदर जाके एंटर कर देते कि
विजिट हो गई है, अगेन 1000 रुपये, बस पैसे ही पैसे, ठीक है। बाकी जो मेडिकेशन चल रही है उसके तो आप समझ सकते हैं, प्राइवेट रूम है उसके भी समझ सकते हैं। दे आर जस्ट मर्डरर्स, मतलब कार्निवोरस पीपल। IVY हॉस्पिटल जो है कार्निवोरस हॉस्पिटल, आई वुड से कौन बंदा इनमें एक्सपर्ट, कोई एक बंदा एक्सपर्ट नहीं है, कोई बंदा एक्सपर्ट नहीं है। दे हैव जस्ट डिस्ट्रॉयड हेल्थ ऑफ माय वाइफ। तो उसके बाद हम वहां से जब पता लगा, हमें एक अच्छा काम ये किया क्योंकि वाली साहब को और मेरा ब्रदर भी वहां फुल टाइम हमारे, जब मुझे इंडिकेशन मिल गई, ये बंदा इलाज नहीं कर रहा है IVY हॉस्पिटल में, तो मैंने 11 अप्रैल को अपने जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, मैंने उसको बोला कि आदित्य मेरे बेटे के साथ जाओ, एक PGI का कार्ड बना लो। तो मुझे लगता है कि इनको अब जरूरत है PGI की, तो हमने कार्ड बनवा लिया वहाँ। लेकिन 11 अप्रैल, 8 अप्रैल को, मतलब मोहाली में रहते रहते ही, IVY मोहाली में एडमिटेड होते होते ही ब्रदर और आदित्य जो जाके मोहाली का कार्ड, सॉरी उसका PGI का कार्ड वार्ड बना के, और मतलब इतना तक भी लिखवा लिया कि कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है तो सीधा आप दिन में, रात में, आधी रात में इमरजेंसी में एडमिट हो सकते हो। बस इतना हमें हो गया कि अब अगर दोबारा कोई ऐसी सिचुएशन ख़राब होती है तो हम सीधा PGI में एंटर भी हो जाएंगे, क्योंकि अदरवाइज तो हमें कोई एडमिट करता नहीं है ना। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन जब तक ना हो तो मेरे ख्याल में वहाँ पे एकदम से आपको ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट होता, आप सबको भी पता ही होगी। ऐसा हमें डर था, वैसे ऐसा है नहीं PGI में, बट फिर मैं आपको यहाँ लगता है कि वहाँ से मोहाली से फिर हम घर आ गए इन द होप ऑफ दैट कि वी विल रिकवर स्पॉन्टेनियसली, अपने आप हो जाएगा, स्पॉन्टेनियसली रिकवर हो जाएगा। तो हम फिर इस होप में फिर वापस आ गए। तो अभी जो है वो यहाँ पे अब 9 अप्रैल हो चुकी है, मतलब 9 मार्च से 9 अप्रैल पूरा 1 मंथ हो गया, और बिना किसी एक होता ना सेटिस्फैक्टरी इलाज मिल रहा है, किसी वो उस टाइप की कोई हमें होप नहीं दिखी। अभी लंबी स्टोरी होगी तो अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं कि 1 मंथ बीत चुका है। अगला जो 1 मंथ की स्टोरी है वो हम शेयर करते हैं थोड़ा अगला जो स्टोरी है हम करेंगे शॉर्ट में। तो अभी इस ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं और अगले ब्लॉग को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से अब हमारी PGI की जर्नी, ये 9 अप्रैल को फिनिश होता है, हम आ जाते हैं घर में, और 11 अप्रैल से हमारी PGI की जर्नी स्टार्ट होती है। वो जितना स्टार्टिंग में थोड़ा दुखद लगा था, एंड उसका उतना ही अच्छा हुआ, तो वो जरूर आप देखिए। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।